जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटेटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि कौन से टॉपिक से आते हैं, तो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सेशन चल रहा है। तो आज पॉलिटी का टॉपिक है जहाँ पे आप लोग संविधान का निर्माण देखोगे। यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखा है मैंने इस वीडियो में। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन जो कि जहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आज ये संविधान का निर्माण से जुड़ा हुआ ये सेशन है, ये सेशन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से। अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से, मतलब कि अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। यहां बात किया जा रहा है भारतीय संघ राज्य की पद्धति नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह संघबद्ध और होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसके साथ साथ आपके ये सारे क्वेश्चन जो कि ऑप्शन दिए हुए सही है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी है। संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व तो दिया जाता है। तो ये तीनों सही है आपके ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का कल्पना को प्राप्त किया गया, मतलब कि राज्यों का संघ कौन से संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया। और ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेनविले ऑस्टिन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनमें से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी एन राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके साथ साथ जितने भी सदस्य यहाँ पे हम जैसे एन जी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, तो इसके साथ साथ प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया। तो अभी तक ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, वो वीडियो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेवन में कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पहले देख लेते कौन कौन सुशासन की विशेषता है। तो जवाब दे ही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, जबकि लाल फीताशाही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। दल विहीन प्रजातंत्र की बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर टेन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहने वाले बी आर अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य, जबकि कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक समानता समाजवादी है और साम्यवादी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब जहां पे भी देखते हैं क्वेश्चन रहता ही देखने को पॉलिटी में, वो भी संविधान से जुड़ा हो, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था। तो केवल एक बार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंधित होता है। तो 14 का राइट आंसर, ये सारे क्वेश्चन को आप खुद से टिक लगाना सीखो तो आपके और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते चल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर उद्देशिका हो जाएगा कि उद्देशिका भारत के संविधान के निर्माताओं का मत है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो की फ्रांस से लिया गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों में से किस से लोकपाल का विचार लिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वीडन से। स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार की बात किया जा रहा है तो अमेरिका से लिया गया, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की, जहां भाईचारा की बात आए तो फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, सर्वोच्च न्यायालय से, न्यायपालिका से या कुछ न्याय से जुड़ा हुआ चीज रहेगा वो अधिकतर आप लोगों का अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, तो जरूर आप लोग अमेरिका ही मारना, क्योंकि एक दो अपवाद होंगे लेकिन बाकी सारी सही होती है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जो होता है और चुनाव में जो विजेता होता है, तो ये कहां से लिया गया, कौन से संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश, और ये आप लोगों को जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार विशेषता कहाँ से लिया गया, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन से। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन अभी ट्रिक के माध्यम से बताया था कि न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, तो वो सारे अमेरिका मारोगे तो ठीक हो, सही हो जाएगा। वही आपका संसद से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो उसका राइट आंसर ब्रिटेन ही होगा, तो आप लोग उसे भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की एक अर्थ संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थ संघात्मक है तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, जनहित याचिका की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा, याचिका। याचिका कहाँ दर्ज किया जाएगा, तो कोर्ट में, तो कोर्ट वाला मैंने कहाँ बताया था, तो अमेरिका ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ, फिर से न्याय जहां आया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में अन्य देशों में उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, और लास्ट में आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32,
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये कौन से संविधान संशोधन संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो राज्य व्यवस्था में यदि सर्वोच्च की बात किया जाए तो क्या आपको संसद लग रहा है? तो बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय लग रहा है? तो बिल्कुल गलत है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगता ही जी है लेकिन वहां पे आप लोग गलत मार के आ जाते हो। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केसी वियर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते, निम्नलिखित में से कौन एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र मतलब कि धर्म का धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि कौन लक्षण नहीं है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष होने के लिए अवश्य कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 मतलब कि राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार का संविधान का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं किया गया, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किया गया, धर्म की स्वतंत्रता का किया गया, घूमने की स्वतंत्रता का किया गया, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश से है? यदि पूछा जाएगा लंबा और लिखित संविधान किसका है, तो अपने भारत का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्याय, न्याय में कितने शब्द आ रहे हैं? तो आपको पता होगा तीन, तो कितने न्याय की व्यवस्था किया गया? तीन। कौन कौन से न्याय की व्यवस्था किया गया जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हम भारत के लोग, भारत के लोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ ये वीडियो था। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको टकराते ही टकराते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं, जो कि संविधान से ही जुड़ा हुआ रहेगा। पहले पॉलिटी खत्म करवा दिया जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री का सेशन लाया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का तो हम लोगों ने क्लासेस भी बहुत सारे कर रखे हैं। तो थैंक यू दोस्तों।